यमुनापुर नाम के एक गांव में सभी लोग मजदूरी करके और बकरियों को चरा कर गुजारा करते थे। रमेश नाम के एक आदमी की भी इसी गांव में एक किराने की दुकान थी। क्योंकि ये गांव की एकमात्र दुकान थी, इसलिए किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो वह रमेश की दुकान पर आता था। अरे रमेश भैया, मुझे 1 किलो चावल दे दो, मैं कल पैसे दूंगा। देखो रामू, तुम पहले ही उधार कर चुके हो, अब मैं नहीं दे सकता। पहले उधार चुकाओ फिर सामान ले जाओ। ये क्या है रमेश भैया, हम एक ही गांव में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे की मदद ना करें? तुमने जो कुछ कमाया उसका तुम क्या करोगे? तुम थोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा उधार दे दूंगा। हाँ हाँ, अगर मैं इसी तरह उधार देता रहूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, जाओ पैसे लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा। अब मुझे समझ में आया कि इसीलिए गांव में तुम्हें लोग कंजूस क्यों कहते हैं। बात करने से कुछ नहीं होगा, पैसे लाओ सामान ले जाओ। जब वे इस तरह बात कर रहे थे तब श्याम नाम का एक आदमी जो अभी अभी गांव में काम के लिए आया था वहाँ आया। भैया मेरा नाम श्याम है, मैं पड़ोसी गांव का हूँ। मेरे पिता का हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए परिवार को संभालने का बोझ मुझ पर आ गया। मुझे काम चाहिए, मैं उसे पूरे भरोसे के साथ करूँगा। तुम गांव में नए हो, हम तुमको काम कैसे दे दें? रमेश भैया, क्या तुम अपनी दुकान में इसे कोई काम दोगे? क्या काम चाहिए? तुम पर भरोसा कौन करेगा, मेरे पास कोई काम नहीं है। भैया भैया ऐसा मत कहो, मेरा परिवार मर जाएगा अगर तुम मुझको काम नहीं दोगे, मुझ पर थोड़ी दया करो। तुम तो बहुत जिद्दी मालूम पड़ते हो, किसी से प्रमाण लेकर आओ कि तुम इस गांव के अच्छे इंसान हो, तब इस बारे में हम सोचेंगे। श्याम वहां से मायूस होकर चला जाता है क्योंकि दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। रमेश के पास कुछ बकरियों के साथ एक छोटी सी बकरी भी थी। वही रमेश की पत्नी सरोज गहनों और साड़ियों की दीवानी थी। एक दिन की बात है, देखो जब तुम शहर जाओ तो मेरे लिए अच्छी साड़ियाँ लाना मत भूलना। मैं पिछले ही हफ्ते तो लाया था, अगर मैं हर हफ्ते इसी तरह साड़ियाँ लाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? तुम्हें पता है, तुम्हारे लाए गहनों और साड़ियों को देखकर हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं? कहते हैं मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा अच्छा पति मिला, और कहते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाग्यवान, मैं सब करूँगा, लेकिन मुझे पहले भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आओ। रमेश अपने पड़ोसियों की तारीफ को सुनकर बहुत खुश हो गया था, और उसकी पत्नी जो भी मांगती थी वो ले आता था, लेकिन दुकान से मिलने वाले पैसे का उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जब भी उसे उसके लिए साड़ी और गहने खरीदने पड़े तो वो बकरियां बेचता था और उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए चीजें खरीदता था। एक बार की बात है, एक त्योहार था, देखो सावन के महीने में वरलक्ष्मी व्रत का त्योहार आता है, मैं व्रत में बनारसी साड़ी पहनना चाहती हूँ। क्या बनारसी साड़ी? रमेश अपनी पत्नी की बनारसी साड़ी की इच्छा को मना नहीं कर सकता था। देखो मेरी बात सुनो सरोज, इस हफ्ते मैं अपनी एक बकरी अगले गांव में ले जाकर बेच दूंगा और पैसा इकट्ठा करूंगा। मैं शहर जाकर एक अच्छी साड़ी खरीद कर लाऊंगा, तब तक तुम दुकान संभालो, ठीक है? तारीफों के झांसे में आकर किसी को सामान मत दे देना। अरे ये क्या कह रहे हो, अगर तुम साड़ियाँ लाओगे तो मैं किसी को भी उधार नहीं दूंगी, तुम शांत मन से जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। अगर कोई आकर उधार मांगे तो उधार भी मत देना। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सब फ्री में दे दूंगी। अरे तुम पागल हो क्या, इसीलिए मैं तुमको दुकान सौंपने से डरता हूँ। ठीक से ध्यान रखना, मैं जाऊंगा और जल्दी ही वापस आऊंगा। रमेश दुकान सरोज को सौंप देता है और दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। पड़ोसी गांव गंगापुर में हर हफ्ते बाजार लगता है। जरूरी सब्जियों को बेचने के साथ साथ उस बाजार में मुर्गियों, बकरियों और भेड़ों की भी नीलामी होती है। रमेश अपनी बकरियों के झुंड से एक बकरी निकालता है और बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचने के बाद तेज बारिश होने लगती है। न जाने आज मैंने किसका चेहरा देखा जो इतना बुरा समय चल रहा। बाजार में जाकर बकरी को बेचता हूँ और पैसे लेता हूँ। ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है, ये कब रुकेगी? 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। बाजार में लोग बहुत कम थे, बिक्री बहुत धीमी गति से हो रही थी। एक आदमी बकरी की नीलामी के लिए आता है। रमेश पास में बकरी के लिए मोल भाव कर रहा होता है। वो आदमी आकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इस बकरी को कितने में दोगे? 20,000 से कम में नहीं दूंगा। क्या बोले, 20,000?
ये बकरी 5,000 से ज्यादा की नहीं है। बकरी को देखकर सौदा करो, या हो सकता है कि आज तुमको कोई सौदा ना मिले। अरे भैया, ये मेरी बकरी है और मेरी मर्जी है। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। बाजार में किसी को भी बकरी खरीदने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी बकरी को 10,000 रुपए में भी नहीं बेच पाया। रमेश का 20,000 से कम में बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अरे ये क्या, देखते ही देखते अंधेरा छा गया। मैं अपनी पत्नी के लिए कम से कम 20,000 के बिना गहने और साड़ी नहीं खरीद सकता। वैसे अब क्या करूं? चलो घर चलता हूं। रमेश मन ही मन सोचता हुआ जिस रास्ते से आया था उसी से बकरी को लेकर घर चला जाता है। सच में बहुत अंधेरा है। गांव के पास पहाड़ी के मोड़ पर एक गुफा है और रमेश ने सुना था कि गांव में हर कोई कहता था कि गुफा में भूत है। जब वो ये याद करता है और गुफा के पास पहुंचता है तब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचने लगता है, अरे ये क्या, मैं जानबूझकर इस रास्ते पर क्यों आया? इस अंधेरे रास्ते पर चलना डरावना है। तो कांपते हुए वो तेजी से दौड़ा और गुफा की ओर मुड़ गया और तभी उसे गुफा से किसी के गुर्राने की आवाजें आने लगी। तुम कौन हो? इतने अंधेरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं रमेश हूँ। मैं इस बकरी को बेचने आया था लेकिन बेच नहीं पाया, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं इस तरफ अब कभी नहीं आऊँगा। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भूत भयानक आवाज में धमकी देता है। ये सुनकर रमेश डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तक मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? ठीक है, मेरी जान के अलावा तुम्हें और क्या चाहिए वो मांगो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जिंदा घर जाऊँगा। तो ठीक है, तुम इस बकरी को गुफा में छोड़ दो और तुम यहाँ से जिंदा चले जाओ। ये क्या है भूत साहब? मैं तुमको एक बकरी दूंगा लेकिन इसे बेचकर उन्हीं पैसों से मैं अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदने के लिए लाया था। अगर मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी, फिर मैं भूत बनकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसा मत करो, दरअसल मैं भोजन के बिना मर रहा हूँ। अगर तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। ठीक है, तुम्हारा डर देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैं भी भूत की तरह घूम रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सका। तुमको ये समस्या क्या है? इस बकरी को यहीं छोड़ दो और कल सुबह होने से पहले आ जाना और पैसे ले जाना। अरे भूत साहब, मैं पैसा उधार देने वालों में से नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे डर पर तरस आ रहा है और तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। क्या तुम यहाँ अपनी जान दे दोगे या कल सुबह आकर अपने पैसे लोगे? अरे इतना गुस्सा क्यों? मैं कल सुबह आकर पैसे ले जाऊंगा। रमेश इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो बकरी को गुफा में छोड़ देता है और सड़क की ओर चल देता है, लेकिन घर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बिना पैसे के घर गया तो सरोज लड़ेगी। सुबह जल्दी पैसे लेकर घर जाना ही सही है। आज रात का समय यहाँ बिताने के लिए बहुत है। आज रात का समय मैं यहीं कहीं बिता लेता हूँ। रमेश उस रात घर नहीं गया और अगले दिन रमेश थोड़े साहस के साथ गुफा में वापस आता है। चूंकि वहाँ कोई नहीं था, उसने गुफा के बाहर से ही भूत को आवाज दी और भूत के जवाब देने का इंतजार करने लगा। भूत साहब, ओ भूत साहब, आप कहाँ हो? अगर आप मुझे पैसे दे दो तो मैं चला जाऊंगा। इसी बीच अंदर से भूत की वही गंभीर आवाज सुनाई देती है। हाँ रमेश, तुम आ गए। तुम जो बकरी लाए थे वो बहुत कोमल थी, बहुत ही स्वादिष्ट भी थी। ये हैं इसके पैसे, ये लो। ये कहते हुए वो एक गट्ठर गुफा से बाहर फेंक देता है। गट्ठर को लेकर रमेश बिना पीछे देखे घर चला जाता है। सरोज रमेश का रात भर घर के पास इंतजार करती रहती है। आ गए तुम, कहाँ थे सारी रात? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। हाँ, हाँ।
अपनी पत्नी से बात किए बिना रमेश ने सारा पैसा जमीन पर डाल दिया। रमेश को आश्चर्य होता है जब गुफा में भूत उस बकरी के 50,000 रुपए देता है जिसके बाजार में कोई 10,000 रुपए भी नहीं दे रहा था। सरोज ने ये देखा और उससे कहा, क्या इतना सारा पैसा कहाँ से आया, मुझे तो बताओ। सरोज पूछती है तो रमेश अपनी पत्नी सरोज को बताता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ और कहता है इसके बारे में किसी को मत बताना। हाँ सचमुच हम कितने भाग्यशाली हैं। चलो कल शहर चलते हैं और मुझे जो चाहिए वो ले आते हैं। सरोज खुश हो जाती है। अपने पति की बातों को नजरअंदाज करते हुए सरोज ये बात अपने पड़ोस की ममता को बता देती है। इस तरह ये बात फैल जाती है और पूरे गांव को इस बात का पता चल जाता है। पूरे गांव में इसी बात का चर्चा होने लगता है। क्या रमेश भैया, जो मैंने सुना वो सच है क्या? अगर तुम गुफा में अपनी बकरी दोगे तो वो भूत तुम्हें दुगने पैसे देगा। कुछ नहीं है, तुमसे किसने कहा? ये सब झूठ है, तुम्हें भरोसा नहीं है। किसने क्या कहा? मैं किसी और पर भरोसा क्यों करूं? वो तुम्हारी पत्नी है जिसने सभी से ये बात कही और पूरे गांव को ये बात कुछ समय बाद पता चली जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहकर रमेश धीरे से वहाँ से चला जाता है। ये जानकर गांव में लोग थोड़े लालची हो जाते हैं। अगर बकरियां नहीं हैं, तो वे बकरियों को ज्यादा पैसे देकर खरीदने लगते हैं। अंधेरा होने के बाद सभी किसी को बताए बिना अपनी बकरियों को गुफा में छोड़ने लगते हैं। सरोज को जब इसके बारे में पता चला तब उसने कहा, जाओ, गांव के सभी लोग अपनी बकरियों को उस गुफा में छोड़ रहे हैं। तुम भी हमारी सभी बकरियों को छोड़ाओ, इतनी सारी बकरियों का हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। क्या तुम क्या पागल हो? तुम्हारे पास गहने और साड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है, तुम लालची क्यों हो? नहीं, इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्योंकि रमेश अपनी पत्नी से लड़ना नहीं चाहता था, उसने भी झुंड से 10 बकरियों को निकाला और गुफा में छोड़ाया। अगले दिन सुबह होते ही कुछ लोग गुफा के बाहर गए, रामू भी वहाँ था। इसी बीच रमेश भी वहाँ पहुँच गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। तब रामू ने उससे पूछा, क्या रमेश भैया, क्या तुमने अपनी बकरी को अंदर भेजा है? तुम्हारे लालच का कोई अंत नहीं है। तो तुम सबने भी तो अपनी बकरियों को गुफा में भेजा है? हमने सोचा कि अपनी किस्मत आजमाते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। बकरियों के पैसे किसी को नहीं मिले और ना ही गुफा से कोई भूत की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने जो कहा था वो सच है? अगर वो सच है तो सामने क्यों नहीं आता रमेश भैया? ये सच है, मैंने अपनी बकरी को फिर से अंदर छोड़ा है, नहीं तो मैं ऐसे यहाँ पर क्यों खड़ा होता? रमेश भैया, मुझे किसी बात पर शक है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी हिम्मत करके उस गुफा के अंदर गए, लेकिन एक भी बकरी दिखाई नहीं दे रही थी। एक छोटा पत्थर एक चट्टान पर रखा हुआ था और एक कागज दिखाई दे रहा था। रमेश ने उसे बाहर निकाला और पढ़ा, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मैं श्याम हूँ, जो एक महीने से तुम सबके पास काम के लिए जाता था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद परिवार को संभालने का बोझ मुझ पर था। किसी ने कुछ नहीं सोचा कि कोई ईमानदार हो सकता है। तुम्हारे गाँव में काम मांगने आया था, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। मैं एक महीने से ये सब करते करते थक गया था। मैंने सोचा कि मुझे दूसरे गांव जाना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था। जब मैं इस गुफा में सो रहा था, मैंने रमेश को देखा जो एक बकरी लेकर जा रहा था। उसी वक्त मुझे तरकीब सूझी। तुम लोग जो मनुष्य पर भरोसा नहीं करते हो, लेकिन भूत पर करते हो, और वही हुआ। इस नकली भूत ने मेरा भला किया, इसलिए मैंने नकली पैसे इस रमेश को दे दिए और उससे कहा कि मैंने बकरी को मार डाला है। लेकिन तुम सभी ने सोचा कि ये सच है और लालची हो गए, और तुमने अपनी बकरियों को बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास भेज दिया। तुम मेहनती आदमियों को पैसा नहीं देना चाहते, लेकिन बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो। चिट्ठी में लिखी बात पढ़कर रमेश अचानक उदास हो जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अरे सरोज भैया, क्या तुमने नकली पैसे के लिए? तुम्हारी इस मूर्खता के कारण हम भी तुम्हारे साथ साथ लोभी हो गए और डूब गए। अब हम अपने होश में आ गए हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो ठीक ही कहा है, लालच बुरी बला होती है। ये सब सुनकर उस गांव के लोग चुप रह जाते हैं। इससे अच्छा होता कि जब वो काम मांगने आया था तो वो उसे कुछ काम दे देते, लेकिन आज उनकी बकरियां उसके पास बिना काम किए ही चली गई हैं।
रमेश भी उनके साथ घर लौट आता है और घर आकर सरोज को सारी बात बताता है। देखो सरोज, तुम्हारे लालच के कारण सब कुछ जानते हुए भी मैं धोखा खा गया। हमारी औकात से ऊपर तुम्हारे लिए बनारसी साड़ी खरीदने के ख्याल से मैंने अपना विवेक खो दिया और अपनी बकरी को बिना जांचे ही छोड़ दिया कि ये नकली पैसा है और जो पैसे ज्यादा लाएगा। लेकिन मैं ही इसकी वजह हूँ। जरूरत पड़ने पर अगर मैंने उसकी मदद की होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। मुझे उसकी सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी अपनी इच्छाओं से अधिक नहीं मांगूंगी। मुझे समझ आ गया। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरी बुक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें।